ये पीसीबी किचन में लगने वाली चिमनी की पीसीबी है और इस समय ये डेड कंडीशन में है। इसको आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है और क्यों डेड हुआ है, और इसको कोल्ड टेस्टिंग से कैसे, यानी कोल्ड टेस्टिंग मेथड से कैसे इसको हम चेक करके और रिपेयर कर सकते हैं। और इसका डायग्राम भी हम आपको दिखाते हैं बनाकर। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसमें हमको जो चेक करने की ज़रूरत है, तो जहाँ पे हम ये देखेंगे ACL ACN, यानी ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये दोनों। अब यहीं से हम इसको चेक करते हैं, इसी पॉइंट से एक एक करके, क्योंकि ये जो हमारा ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज पे जो है ये AC पहुंचेगी, फिर AC से DC बनेगा, DC से फिल्टर होके फिर इस IC के द्वारा यहाँ स्विचिंग होगी, और स्विचिंग होके इस मॉस ये सॉरी इस ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पे DC वोल्टेज जनरेट होगा, और इसी वोल्टेज के द्वारा यहाँ पे रिले की ऑपरेटिंग होती है और यहीं से BCC इसकी सप्लाई जाती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं, और कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद ऐसे ऊपर से दिखाते हैं आपको, ये जैसे ACL है और ये ACN है, तो L पे हम रखते हैं, यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर ये ACN न्यूट्रल, ठीक, किसी एक पॉइंट को क्लियर करेंगे क्योंकि ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इस साइड में बता रहा है ये ऐसे, और इस साइड में नहीं बता रहा, तो ये रेजिस्टेंस ओपन है, ठीक। अब ये ओपन क्यों हो सकता है, ये हो सकता है कि ये शॉर्टिंग हो या आगे यहाँ पर ये शॉर्टिंग हो। तो दोनों को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं इसके फिल्टर लाइन फिल्टर को, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तो नहीं शॉर्ट है, ठीक, यानी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। तो इसे हम यहाँ पे ये ओपन कर लेंगे, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दूसरा लगा देते हैं, चेक करा देते हैं इसको ओपन है कि नहीं। देखें यहाँ ऐसे, अब ये जो लगाने जा रहे हैं इसको यहाँ पर दिखा दें, ये ऐसे, ठीक, अब यहीं से इसको लगाने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे सप्लाई देकर AC इनपुट करके, और हम जो है यहाँ पे वोल्टेज को चेक करते हैं। इसको हम सीरीज में लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। यहाँ पे DC के रेंज पर रखते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो ये है इसका पॉजिटिव और ये बीच वाला है निगेटिव। अब यहाँ पर जो 202 वोल्ट शो हो रहा है, यहाँ पे कम से कम 280 वोल्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये फिल्टर ख़राब है।
यानी इसका जो कैपेसिटर है मेंस वाला वो फॉल्ट है। अब यहाँ इसका आउटपुट वोल्टेज दिखा दें आपको, अब यहाँ पर सेकेंडरी पर देखें, सेकेंडरी पे वोल्टेज आपको यहाँ पर 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट दिखना चाहिए। ये देखिए 18 वोल्ट, ठीक है। अब ये हमारा 18 वोल्ट यहाँ पे सेकेंडरी मिल रहा डीसी, तो ये ओके है। अब यहाँ पर आगे दिखाते हैं, ये है इसका कैपेसिटर यानी पुराना और एक नया कैपेसिटर जो अभी इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद जो वोल्टेज में डिफरेंस दिखेगा वो भी हम आपको वोल्टेज देकर दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, इस मल्टीमीटर के द्वारा इसको अगर चेक करेंगे, नया और पुराना यानी जो फॉल्ट है कैपेसिटर उसका रेजिस्टेंस और जो नया है उसका रेजिस्टेंस, जैसे इसको कंटिन्यूटी मोड पे ऐसे रख के, और रखने के बाद एक सेकंड, अब यहाँ पर देखें जैसे ये है, ठीक, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से। अब ये नया अगर इस कैपेसिटर को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखें, ये हल्का सा डिफ्लेक्शन दिया जो कि 4.7 mFT का है, 450 वोल्ट का। अब इसको ऐसे पलट कर लगाते हैं तो देखिए मल्टीमीटर में ये, ठीक। अब इसको हम सोल्ड करते हैं, और सोल्ड करने के बाद इसके वोल्टेज को हम देखते हैं। पहले 220 वोल्ट दिखाया है जो कि यहाँ पर 280 वोल्ट 300 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें जो हमारा मेंस फिल्टर है 283 वोल्ट, जहाँ पे पहले 202 वोल्ट शो कर रहा था, कैपेसिटर बदलने के बाद ये हमारा 283 वोल्ट हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी में यहाँ पर देखें वोल्टेज, ये 18 यानी 18 वोल्ट, ठीक। अब इसके रेंज को थोड़ा सा हम लो कर लेते हैं, जो 20 वोल्ट रेंज पे रख के, और उसके बाद देखेंगे 17.997 यानी 18 वोल्ट यहाँ पे कंप्लीट है। ये है इस पीसीबी का सर्किट डायग्राम। इसमें देखें तो चार रिले यूज किया गए हैं, और ये चारों रिले ये हैं 1 2 3 4, ये चार रिले हैं। और चारों रिले का जो काम है यहाँ पर दिखा दें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ HMEL, तो ये H से हो गया हाई, M से हो गया मीडियम, L से हो गया लो, और ये लास्ट में हीट है। इसमें जो ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ, जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये दो और दो चार, ये रिले का पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है N2 और N1, ये दो वायर अलग है, और AC L और AC N यानी न्यूट्रल और लाइन, ये हमारा मेंस है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमने जो है इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया है और इस रेजिस्टर को चेंज कर दिया है, वो ये ओके हो गया है। अब यहाँ पे जो ये इसका सॉकेट बना हुआ है, सॉकेट पे भी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है BCC और ग्राउंड, यानी जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 8 वोल्ट का है यानी 8 वोल्ट का। अब यहाँ पर इस सर्किट से समझें कि जैसे यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर को डीसी बनाने के लिए यहाँ जो एसी सप्लाई इन होती है, एसी सप्लाई इन होने के बाद यहाँ पे एसी सप्लाई आएगी, जैसे ये एल यानी लाइन हो गया, और यहाँ से ये इंटर हुआ, ये हो गया एन, तो ये न्यूट्रल और ये लाइन, अभी एसी सप्लाई यहाँ पे आएगी, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर डीसी बनेगा, तो डीसी निगेटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा। यही कैपेसिटर ये फॉल्ट था जो हमने चेंज किया है, क्योंकि आगे आप देखे होंगे तो यहाँ पर 200 वोल्ट, 210 वोल्ट या 220 वोल्ट दिखा रहा था, लेकिन कैपेसिटर चेंज करने के बाद यहाँ पर 280 वोल्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट ये बनेगा, ठीक है, फिक्स। इसके बाद ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर ये है यहाँ पे, ये 8 वोल्ट यहाँ बनेगा, 8 वोल्ट, और यहीं से इसको जो है ये सिस्टम को जाएगा, जहाँ से सिस्टम से जो कमांड आएगा, कमांड के अनुसार ये आईसी ड्राइव करेगी, और इसके ड्राइव के अनुसार जो है ये रिले ड्राइव करेगा। जैसा जैसा इसको कमांड मिलेगा वैसे वैसे ये जो है अपना काम करेगा, और उसी के ड्राइव के अनुसार यहाँ पे इसके जो इंटरनल मूवमेंट है वो चेंज होंगे। यहाँ पर ये एनोड पॉइंट है, ये नॉर्मल ओपन है इस कंडीशन में, जैसे हमारा ईएनसी होता है जैसे नॉर्मल कनेक्टिंग, तो ये जैसे ये पोल है तो इस कंडीशन में ये ऐसे जुड़ा रहेगा, लेकिन जैसे इसको कमांड मिलेगा तो यहाँ से निगेटिव आउट होगा, निगेटिव आउट होने के बाद ये तुरंत ये जो है मोमेंट यहाँ से ऐसे टच हो जाएगा, जिससे हमारा लो ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा इसका रिले ऑन होके, ठीक है। तो ये ऑन कंडीशन में ये अभी यहाँ ये ओपन रहेगा, यानी पोल का जो है पॉइंट यहाँ पर नहीं बना हुआ है, यहाँ तीन ही पॉइंट यहाँ पर दिए हैं रिले का, जैसे एक ये है, ये दोनों तो कॉइल हो गया और बीच में पोल हो गया, ये एनो हो गया, यहाँ पे एनसी पॉइंट जो है नहीं दिया गया है इस रिले में।